विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नकद या आसान। अस्सलामुअलैकुम मौजूद नाजरीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद खलील जमा आप तमाम का एमकेडी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाजरीन नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सीएम गारु तो नेनु मात्लाडतां, పెట్రోల్ రేట్లు సీఎం గారితో నేను మాట్లాడతాను, ఈ రేటు ముందుకు మాట్లాడు పబ్లిక్, మేము ఓటర్ గెలిపించినామన్నా ఇక్కడ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ పెట్రోల్ రేట్లు పెంచుకుంటామో ఇట్లకైనా मैं ये रोड पे से जाता हूँ, तुम लोग क्या करते कि कर लो। हैदराबाद शहर में ट्रैफिक जाम होने की वजह से पब्लिक में एक ही दम गुस्सा पाया जा रहा है। ई रेसिंग बोलते, असेंबली सेशन बोलते और क्या क्या की बोल के ट्रैफिक को डेविट करते, मगर ये ट्रैफिक डाइवर्शन कितने किलोमीटर दूर रहता ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं बताते। बगैर प्लान के ट्रैफिक पुलिस वाले कर रहे सो इस डाइवर्शन के बारे में आम आदमियों का गुस्सा 3 नंबर मिसाइल से भी ज्यादा हो गया। असेंबली सेशन भी खत्म हो गया, ई रेजिंग भी खत्म हो गई, लेकिन ये ट्रैफिक को कहीं को जाने नहीं दे रहे। मिनिस्टर केटीआर साहब ई रेजिंग की वजह से हुए सो ट्रैफिक जाम के बारे में सॉरी भी बोले, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले अभी तक भी ये रोडों को ओपन नहीं करे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर कैसा करते कि, वैसे ही हैदराबाद के ट्रैफिक पुलिस वाले आम आदमियों पर हर रोज 17,000 से ज़्यादा चालन के रसीदा फाड़ रहे, मगर ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सक रहे। असेंबली सेशन में हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ने कहा था कि हैदराबाद के ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत बेस्ट है, खाली ई चालाना डाल रहे, जेब में पैसे है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। मगर महमूद अली साहब ने ये नहीं कहा कि ट्रैफिक क्लियर करने का जिम्मा किसका है, क्योंकि मिनिस्टर पूरे जाते वक्त एम्बुलेंस को भी रोक कर ट्रैफिक क्लियर करते। हैदराबाद की ट्रैफिक में फंसने वाले सभी को इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम गारु पब्लिक प्रॉपर्टी పెట్రోల్ రేట్లు పెంచుకుంటామో నేను ఇట్లకైనా పోతా, ఇది అసలు చాతు మీ ఏమన్నా చేసుకోరు, ఏ పోలీస్ చేసుకోరు, పబ్లిక్ ఏమనుకుంటారు, పబ్లిక్ కి అర్థం చేసుకోవాలన్నా, ఏమ్మా పబ్లిక్ 150 రూపాయలు పెట్రోల్ పెంచుకొని డైవర్షన్ పెట్టకుండా ఆడ ఏం పెట్టకుండా ఇట్లకైనా వచ్చినాక మళ్ళా అక్కడ సుట్టు తిరగనుకోమంటే ఇట్లకైనా పోతా నికాల नाजरीन। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप ज़रूर अपनी मसनून राय कमेंट्स के ज़रिए दें, और जो हजरात इसे केबल पर देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ज़रूर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी MKTV चैनल को फॉलो करें। इस खबर को पेश करने में ताउन किया है मस्कती डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स कोटला अलीजा हैदराबाद।